गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे ग्रामर का लेसन नंबर 6, नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने अभी तक ये देखा था कि काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन वैसे कौन से होते हैं नाउन्स, जैसे कॉमन नाउन हो गया, और कुछ कुछ कलेक्टिव नाउन्स भी हमारे किस में आते हैं, काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। और हमने देखा था अनकाउंटेबल नाउन में आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं और आपके मटेरियल नाउन अधिकतर अनकाउंटेबल होते हैं। आज हमें रूल नंबर 5 देखना था, पेज नंबर 34। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। तो देखिए, आपको बताया जा रहा है कि काउंटेबल नाउन में कौन सी चीजें आती है। कॉमन नाउन, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं वो आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं, और अनकाउंटेबल में आपके कलेक्टिव नाउन्स आते हैं, मटेरियल नाउन आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। तो आपको ये बताया गया है कि अनकाउंटेबल में जो कलेक्टिव नाउन हो गए, मटेरियल नाउन हो गए और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, ये आपके इसमें आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। क्योंकि इसमें आपको बोला गया था कि कुछ कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो जिसे हम काउंट कर सकते हैं। फिर आपको दीजिए, देखिए यहाँ पे नीचे दे रखा है, काउंटेबल नाउन्स हैव टू फॉर्म्स। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके दो फॉर्म्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। आप उसे मतलब प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेयर एज अनकाउंटेबल नाउन हैव ओनली वन फॉर्म एंड दैट इज सिंगुलर। हमेशा याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन के ही सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं, और जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सिर्फ उनके क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म ही होते हैं, आप उसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। 6th रूल में दिया गया है, द डिवीजन ऑफ नाउन्स इंटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन इज इम्पॉर्टेंट इन ग्रामर फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। तो वही बताया गया है कि हमारे को लिए जरूरी था कि हमें अपने नाउन्स को किस में डिवाइड करें, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में डिवाइड करें। ए पॉइंट, काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो आपको ये बोला गया है कि काउंटेबल नाउन के क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं। जैसे हाउस, हाउस एक सिंगल हाउस के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे हाउसों के लिए क्या यूज करते हैं, हाउसेस। डे, डे का क्या हो सकता है, डेज। नाइफ का नाइव्स। वही बताया गया है कि हम हमारा जो काउंटेबल होता है उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। हाउएवर देयर आर अ फ्यू नाउन्स विच हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो वही बताया जाता है कि इसमें आपको कुछ कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर, जैसे वो सिंगुलर में है वैसे ही सेम का क्या होता है, प्लूरल, मतलब वो चेंज नहीं होते। जैसे शीप का शीप ही होता है, अगर बहुत सारे शीप होंगे तो हम शीप्स नहीं यूज करते, हम शीप ही वर्ड यूज करते हैं। जैसे डियर, डियर के लिए डियर ही यूज किया जाता है। बी पॉइंट, वी मोस्टली यूज ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आपको यही बताया जा रहा है कि आर्टिकल्स कौन से यूज किए जाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, अ या एन यूज करते हैं। अ हॉर्स इज एन एनिमल दैट कैन रन फास्ट। अब बहुत सारे हॉर्स भी होंगे हम, तो आपको यही बताया गया है कि अगर सिंगल हॉर्स है तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, अ। तो इसे यही बताया जा रहा है कि अ हॉर्स इज एन एनिमल दैट कैन रन फास्ट। एन ऑरेंज इज स्वीट बट अ लेमन इज सॉर। तो आपको ये बताया गया है जो ऑरेंज है वो स्वीट्स होते हैं और लेमन जो होते हैं सार होते हैं। बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन कैन टेक द द। आपको ये बताया जा रहा है कि काउंटेबल के लिए भी द यूज कर सकते हैं एंड अनकाउंटेबल के लिए भी हम द यूज कर सकते हैं। आई नो द मैन हु हैज स्टोलन द डॉग। तो आप उसमें ये बताया गया है काउंटेबल, जैसे एक डॉग है तो डॉग्स हो सकते हैं, मैन का क्या हो सकता है, मैन्स हो सकते हैं, लेकिन मैन, मैन वर्ड यूज करते हैं, एनी एनी हो सकते हैं। तो इसके आगे क्या यूज किया गया, द, क्योंकि हम यहाँ पे होल ग्रुप के लिए बता रहे हैं। द पेपर ऑफ दिस बुक इज ऑफ गुड क्वालिटी। अब देखिए जो पेपर है, पेपर वन पेपर टू पेपर तो अपन करते नहीं है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपको बताया जा रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी हम द वर्ड का यूज करते हैं। तो ये आपके 6th रूल में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ए बी सी हमने जो देख लिया है। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 35। अनकाउंटेबल नाउन डी पॉइंट आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। आपको यही बताया जा रहा है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इनका जो वर्ब यूज किया जाएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर यूज किया जाएगा। जैसे म्यूजिक वॉज कम्पोजिंग कमिंग थ्रू द विंडोज ऑफ द हाउस।
म्यूजिक वर्ड, हम यहाँ पे वर्ड ही यूज करेंगे. म्यूजिक क्या है यहाँ पे? सिंगल है तो ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि आप म्यूजिक को क्या कर सकते हैं, वन म्यूजिक टू म्यूजिक वी कांट डू. तो यहाँ पे हमने म्यूजिक के लिए सेम, म्यूजिक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, म्यूजिक को काउंट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे म्यूजिक सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब भी क्या यूज किया, सिंगुलर, क्योंकि वॉस का क्या, वॉस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, वर्ब होता है. नॉलेज इज द गोल ऑफ एजुकेशन. तो आपको इसमें यही बताया गया है कि नॉलेज, यहाँ पे हम नॉलेज को भी क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपके लिए अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज किया गया है. थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन वेस्टेड. अ लॉट, मनी, मनी को हम काउंट नहीं करते, वन मनी टू मनी, मनी इज अनकाउंटेबल नाउन. और हमने मनी यहाँ पे सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे भी क्या यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब ही यूज किया, क्योंकि हैज का क्या होता है, होता है. ई पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, सो दे कैन नॉट टेक ए और एन. मतलब ये बताया गया है कि हम अनकाउंटेबल नाउन को क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अ और एन ये नहीं यूज करते. जैसे हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ और वेल्थ क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए हमने इनके आगे अ हेल्थ इज एन अ वेल्थ यूज नहीं किया है. लाफ्टर वॉज हर्ड अपस्टेयर्स, लाफ्टर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के साथ साथ ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे अ और एन यूज नहीं किया है. फिर आपको एफ पॉइंट में दिया है दो अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट टेक अ और एन, दे मे बी प्रीसीडेड बाय फ्रेजेस ऑफ क्वांटिटी सच एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर और अ शीट ऑफ पेपर. तो इसमें आपको ये बताया गया है कि इनके आगे अ और एन यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इनके पहले हम कुछ फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, जैसे अ ड्रॉप, अ शीट. इफ वी वॉन्ट टू डिनोट अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल थिंग्स वी कैन यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक ड्रॉप एंड शीट दैट अपीयर इन द फ्रेजेस ऑफ क्वांटिटी. तो वही बताया जा रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन के, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन हमें अगर बहुत सारा दिखाना हो तो हमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं उसके पहले, जिससे ये समझ में आए कि वो बहुत सारे हैं. जैसे अ ड्रॉप ऑफ, अ ड्रॉप ऑफ वाटर मीन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, अ ड्रॉप मतलब सिंगल, एक ड्रॉप पानी. शीट, शीट, अ शीट मतलब एक शीट. दैट, फिर आपको एग्जांपल दिया है अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फेल ऑन माय हेड. अ फ्यू मतलब कुछ ड्रॉप्स, हमने यहाँ पे क्या, और ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मतलब बहुत सारा दिखाया जा रहा है, फेल ऑन माय हेड, क्योंकि वाटर का क्या कर सकते हैं, वाटर हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसके आगे ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जिसे हम प्लूरल बना सकते हैं. जैसे एवरीवन हैड टू शीट्स ऑफ पेपर टू ड्रॉ ऑन, पेपर का हम प्लूरल फॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे शीट्स को और शीट्स से आगे टू शीट यूज किया है. मतलब अगर हमको थ्री दिखाना हो तो थ्री शीट्स यूज करते हैं. बाकी इसके आगे का हम नेक्स्ट डे देखेंगे. थैंक यू.